हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीमा मुदगल। आज का हमारा जो सीरम है वो बेहद ख़ास सीरम है, जिसको यूज करके आप अपने बालों को भी सिल्की और शाइनी बना सकते हैं। और ये फेस के लिए भी है, इसको आप लगा के फेस पे 2 मिनट के लिए मसाज करके देखना, आपके चेहरे पे बहुत अच्छा ग्लो आएगा। तो ये चेहरे और बाल दोनों चीज़ों के लिए है। तो इस होम रेमेडी को आप ज़रूर से ज़रूर ट्राई करना। देखते हैं हम कैसे बनाते हैं वो सीरम। तो चलिए, और हाँ, जाने से पहले आप मेरा चैनल नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और मेरी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए। अब बनाते हैं हम अपना सीरम। इसको वॉश कर लेंगे, वॉश करने के बाद इसको पीसीज में कट कर लेंगे। ये देख ले, मैंने इसको अच्छे से वॉश कर लिया, इसका एक्स्ट्रा जो काटे वाला पार्ट था वो निकाल लिया है और इसके पीसीज में कर लिया है। अब इसको हम करेंगे ग्रेटर की हेल्प से ग्रेट करेंगे, ठीक है। अब इसको हम छान लेंगे छलनी की हेल्प से, क्योंकि आपके स्प्रे बोतल का जो स्प्रे है उसको खराब कर देगा ये, इसके पार्टिकल्स जो हैं। ये देखिए, ये हमने छान लिया है एलोवेरा जेल, फ्रेश जेल है, बिल्कुल खूब सारा हो गया है। इसमें अपनी मर्जी है, अगर आप पानी डालना चाहो थोड़ा सा तो डाल सकते हो। अब इसको हम इस बोतल में फिल कर लेंगे, स्प्रे बोतल है। और उससे पहले इसमें ओलिव ऑयल के कुछ ड्रॉप्स डालेंगे। ये ड्रॉप्स मैं इसमें है ना बोतल में डालने के बाद ही मिक्स करूंगी, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए। देखिए, आप इसकी क्वांटिटी कम या ज्यादा भी कर सकते हैं। ये हमने थोड़ा सा पानी ले लिया है, ये हम इसमें ऐड कर रहे हैं। अब इसमें हम ऑयल मिक्स, अब इसमें ऑयल के कुछ बूंदे मिक्स करेंगे। आपके पास विटामिन ई ऑयल का कैप्सूल है तो विटामिन ई का कैप्सूल आप इसमें डाल सकते हो, मेरे पास था नहीं तो मैंने ये ओलिव ऑयल डाल दिया। अब इसका हम ढक्कन लगा के बंद कर लेंगे। ये देखिए, इसमें फिल कर लिया है, हमने ढक्कन लगा लिया है। अब इसको हम अच्छी प्रकार से हिला लेंगे। देखिए, कुछ इस प्रकार से देखने लगाइए। अब इसको हम अपने सूखे बालों पे अप्लाई करेंगे।